ऋषिकेश, ऋषियों की भूमि। मैं कई बार ऋषिकेश आ चुकी हूँ, बट जब भी मैं ऋषिकेश आती हूँ मुझे यहाँ पे कुछ अनोखा या कुछ नया सुनने को मिलता है या एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो मैंने लक्ष्मण झूले की स्टोरी सुनाई थी जो कि तीरों पे बनाया था लक्ष्मण जी ने। अभी वो झूला कंस्ट्रक्ट हो रहा है दोबारा, इट्स फोर्थ टाइम वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इस बार उसको कह रहे हैं कि ग्लास पे बनाएंगे। सो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तो आप ग्लास पे चल रहे होगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस बार मैं त्रिवेणी घाट के बारे में बात करूँगी। त्रिवेणी घाट आप सबने सुना होगा, आप गए भी होंगे वहाँ महाआरती में, जो कि वहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और कहते हैं खुद कृष्ण जी वहाँ पे पधारे थे। Hi guys, good morning, welcome back to my channel. This is Sakshi Dantel और मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। उसको नोटिस मत करना, ये तो ले लेता है, अगर ले भी जाऊँ ना इसको तो ये तो बर्फ भी खा लेता है। ये क्या था, ये बाय द वे था क्या? On serious note, पानी नहीं है, बर्फ है लिटरली। गला खराब करने के तरीके। सो मैं जा रही हूँ फिलहाल नॉट लेह लद्दाख, बट यस इट्स दिस मंथ इट्स गोना बी अ क्रेजी ट्रिप टू समवेयर एल्स, एंड आज तो मैं यहीं जा रही हूँ, इट्स नॉट वेरी फार आई एम गोइंग। सो मैं जा रही हूँ ऋषिकेश की तरफ, फिर अगर प्रोग्राम बना, अगर मौसम ठीक लगा तो विल गो आगे ऑल्सो, बट डिपेंड करता है क्योंकि सब मौसम बहुत खराब चल रहा है, नॉट इन दिल्ली बट बाकी जगहों पे। सो इट्स गोना टेक ऑब्वियसली मेरे घर से 5 घंटा, 4-5 घंटा, एंड आई एम गोना शो यू अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन ऋषिकेश दिस टाइम, और ऑब्वियसली ऋषिकेश की गलियाँ। ऋषिकेश मेरा पहला प्यार इसलिए कुछ कोई कमेंट करके बता सकता है कि आई स्टिल लव ऋषिकेश सो मच, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। हम चलते हैं ईस्टर्न पैराफेरल से ऋषिकेश की तरफ। अब इन्होंने रास्ता जो है वो सारा मैरिन ड्राइव वाला खोल दिया है, अब हम चढ़ेंगे ये वाले पुल पे जो बेसिकली इनका प्लांट है, और मेरे राइट साइड है रिवर गंगास। बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फाइनली रीचिंग एट द प्लेस जहाँ पे रुकने का सीन है आज हमारा, एंड दिस इज नोन एज अली बे, एंड That's my car. So that's the reception area, guys. और मेरे सामने जो इस वक्त है यहाँ पे shops हैं, and यहाँ एक clothes हैं। I'll be Ganga view के साथ मैं रुकी हूँ। The sitting elephant restaurant. It's at 5th floor and cafe 6th floor. We are going to the restaurants. Yeah. We are hungry. Hare Krishna. So guys, this is the restaurant area. आपका buffet system है? A la carte. Okay. And बताए वो outer area, guys check करो, मैं आपको view दिखाती हूँ। मैं अपने अपना bag यहाँ पर रख दूँ, sit here. ये बाहर इस वक्त बहुत गर्मी है। So guys, this is the outer area. और इतनी गर्मी है ना, भी ट्रस्ट मी, झूला वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, एंड व्हेन यू कम ऊपर तो दिस इज द व्यू, मतलब यहाँ पे ये मेन रोड पर ही पड़ेगा तुम्हें, और गाड़ी भी अंदर खड़ी होने की क्वालिटी नहीं, बस पार्किंग अच्छी है। प्लस देखो यार, व्यू चेक करो, इज़न्ट दैट ब्रेथ टेकिंग व्यू गाइस, राइट? आई लव दिस प्लेस। Finally, it's raining, guys. बारिश आई गई। Yo, hey. खैर मैं आप लोगों को इसका मेन्यू दिखाती हूँ यहाँ का। So when you come here, तो मेन्यू इस तरह से आपके फ़ोन पे आएगा। The charges are here. So this is the menu of this place. They have almost every kind of choices: continental food, Indian food, Chinese food. So there is so much to choose from. एंड वी ऑल्सो टुक लाइक पूरा का पूरा, तब जाके हमने कुछ चूज़ करा है कि गुलाब जामुन माई फेवरेट इज देयर, इट्स
so many choices, right? And you know, with the place of setting of the like around many people, but kyun bahar thoda humid hai so temperature. So that's the salad, that's the papad. पनीर क्या है वो? पनीर इमोचा. पिनोट पनीर? पनीर इमोचा. इमोचा पिनोट पनीर इमोचा. क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह रावत है. मुकेश जी बोल रहे हैं, हम खाना बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं. बिल्कुल. तो मतलब आप ग्रेवी एडवांस बना के नहीं रखते? हम ग्रेवी एडवांस में नहीं बनाते. हम ग्रेवी ऐसा है कि सुबह हम ग्रेवी बनाते हैं और उसको 2-3 घंटा खूब उसको वो करते हैं, बॉइल करते हैं, खूब उसको पकाते हैं ग्रेवी को. और एक दिन के हिसाब से? एक दिन के हिसाब से. फिर हम सुबह सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी हमें फ्रेश मिलती है. 3-2-1 ओपन. सो गाइस, हमारा वॉक ओवर हो चुका है. हम कुछ ज़्यादा ही खावे खाना बहुत ही हमका, स्पेशली भाई के चक्कर में ज़्यादा खावे. ओह दिस इज ब्यूटीफुल इमेज. सो हमारा रूम नंबर है 205 This is evening snacks and tea and coffee. मेरे सामने नमक पारे रस, मैं भूल रही हूँ कचौड़ी. हाँ दिस, ये क्या है? आलू पकौड़ा एंड चाय और कॉफ़ी, दोनों ऑप्शंस. तो कॉफ़ी बना दो एक, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं और स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत सही सही सी, थोड़ी सी बहुत. आई डेफिनेटली नीड अ कॉफ़ी. ऑलरेडी कॉफ़ी छोड़ चुकी हूँ बट कभी कभी ले लेती हूँ. लक्ष्मण झूला खुल गया, मैम बताएंगे. सो दीज आर द एक्टिविटीज़ द पीपल एक्चुअली प्रोवाइड यहाँ पर. योगा क्लासेस, स्पा, टूर गाइड, रिवर राफ्टिंग, ऑसम. सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ जानकी झूला और आज कांवड़ वालों का दिन है. सो मतलब आज मंडे का सावन है, पता है बहुत लोगों ने व्रत रखे होंगे. दिस इज मंडे वीडियो एयर. मैं जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे इतनी भीड़ है पूछो मत. सो ये लाइन बाइक्स की है, मैं पैदल यात्रियों में जाऊँगी ऑब्वियसली. और मैं जानकी झूला फर्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ. लास्ट टाइम भी मैं रात को आई थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे. पानी का फ्लो बहुत ही तेज है इस टाइम पे. और पता है अभी मैं त्रिवेणी घाट भी जाऊँगी आज. सो यहाँ पे जो पार्किंग की पर्ची कटी है मेरी, वो कटी है 100+ की, मतलब 120 रुपीज़. मतलब अब GST आ गया, सब चीज़ों पे लगने लग गया. लगता है सिक्किम शिफ्ट होना पड़ेगा इंडिया में बचने के लिए, या फिर दुबई शिफ्ट होना पड़ेगा अगर इंडिया से बाहर शिफ्ट होना है GST और टैक्सेस से. Oh my God, when brother is your side, you don't have to worry. Anna, भाई, वरना लोग तो मैं धक्का दे दे के जा रहे हैं. 2 बार मुझे लोग कुछ कर चुके हैं. मेरा भाई कहता मैं आगे चलूं. मम्मी के साथ बोलो. मम्मी, भाई स्लिंग शॉल्डर पुश विद द पीपल एग्जैक्टली अना भाई. बट यू आर अक्से. बट यू आर अ लाइफ सेवियर भाई. Look at this. नहीं नहीं मैं पकड़ा मैं सिर्फ सो दिस इज भीड़ है, इतनी भीड़ है. चेक इट आउट. वैसे भी आज मंडे का दिन, और ऊपर से सावन, पहला मंडे का सावन.
सती भीड़ वहीं बनती भी है। अंकल तो वहाँ वो पी रहे थे मस्त, आई डोंट नो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, माल माल पी रहे थे पीछे। Look at the flow of water, guys. Water का flow कितना जबरदस्त है। अरे चेक कर पर कजल Next destination is Triveni Ghat. So guys, ये है Triveni Ghat and it was really awesome time to be here. यहाँ पे आरती जो है, अगर आपको आना है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, लाइक 5:30 बजे स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है, अभी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, मतलब 5 मिनट के आसपास में, तो 7 बजे वैसे आरती स्टार्ट होती है यहाँ पे, आधा घंटे की आरती होती है। खैर अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि अभी बहुत भीड़ होने वाली है। अभी आपको पता है लोग, मतलब यहाँ पे ना पहले आई लव ऋषिकेश था इस जगह पे, और सारा का सारा उड़ गया क्योंकि दिख रहा होगा जब बाढ़ आई तो ऊपर तक आ गई थी। सो मैंने एक टाइम पर उसके सामने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, यहीं था एग्जैक्टली, मैं ढूंढ रही, लोग कह रहे उड़ गया। सो गाइस गाइस यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड मैं जा रही हूँ स्पा लेने, आई डिस्परेटली नीड स्पा। और अभी सब कुछ बंद हो चुका है, बहुत जल्दी बंद हो गया, कावड़ के टाइम पर भी चीज़ें, बट वो तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। मेरे को पता चला है ये वाला झूला का ना स्ट्रिंग टूटने स्टार्ट हो गए थे इसलिए ये हट रहा है, और इसकी जगह तुझे पता है कौन सा झूला लगेगा, यू विल बी सरप्राइज, जो ग्लास वाले नहीं होते चलने वाले वो, और पता नहीं कितने साल लगेंगे। सो भाई की फेवरेट चीज़ स्प्रिंग रोल, ही एक्चुअली वॉन्टेड टू ईट स्प्रिंग रोल फॉर द डिनर, तो मेरे भाई ने ऑर्डर किए हैं स्प्रिंग रोल डिनर के लिए। क्यों भाई ऐसा क्यों? मैं तो भाई उसमें एक पीस खाऊंगी, मैंने तो सैलेड ऑर्डर करी अपने लिए, नहीं ये इतना ऑयली तो मैं नहीं खाऊंगी, बट यस मैं एक ही पीस खाऊंगी, बट यहाँ का फूड बहुत डिलीशियस है ट्रस्ट में। खैर लेट्स ट्राई दिस वन पीस, दैट्स द थिंग माय ब्रदर हैव ऑर्डर टुडे एंड ऑल द ऑल, मतलब मेरा भाई मोटा होने का पूरा प्लान में है इस वक्त, मुझे ऐसा फील हो रहा है। दैट इज मंचूरियन, दैट इज स्प्रिंग रोल, दैट इज पिज्जा एंड विद कोका कोला। यो भाई नहीं तुम बैठोगे, हाउ इज द फूड भाई? मैं एक पीस लूँगी। गाइस 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 खा लो खा लो, उसने खाना है मन। लाइफ हो तो मेरे भाई जैसी है ना, ये तो मेरे लिए लाके पानी की बॉटल नीचे ले जाने के लिए, इसमें मिंट नहीं डाली, हाँ रखवा दी, मिंट वाली रखवाई है, मिल गया हमें तो, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नाम क्या है आपका? शिका। बहुत बहुत शुक्रिया शिका, गाइस बहुत हेल्पफुल है यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and sharing and loving. See you.